एक विद्यालय में छात्र की पिटाई का मामला प्रकाश में आया है। यहां पर तैनात अध्यापक ने जब छात्र को बेवजह पीटा तो अभिभावक ने इसका विरोध कर दिया, क्योंकि स्कूल में तैनात महिला अध्यापक ने छात्र को दूसरे अध्यापक के पास रजिस्टर लेने भेजा था, जहां पर अध्यापक ने बेवजह छात्र की पिटाई कर दी, जिससे छात्र को अंदरूनी काफ़ी चोटें भी आई। मामला श्रावस्ती जनपद के थाना मल्लीपुर के कंपोजिट विद्यालय कोकल गाँव का है। यहां पर आलोक नाम के एक छात्र को कंपोजिट विद्यालय में तैनात अध्यापक पीयूष मिश्रा पर बेवजह मारने का आरोप लगाया जा रहा है कि वहां पर तैनात एक महिला शिक्षक ने आलोक को अध्यापक पीयूष मिश्रा के पास रजिस्टर लाने के लिए भेजा था। इसी को लेकर पीयूष मिश्रा ने आलोक की जमकर पिटाई कर दी, जिससे स्कूल में अभिभावक ने पहुँच कर हंगामा कर दिया। वहीं स्कूल पहुंचे नोडल अधिकारी ने भी स्कूल में छात्र और अध्यापक का बयान दर्ज किया। आपको बता दें कि सहायक अध्यापक पीयूष मिश्रा के रवैया से सारे छात्र परेशान हैं, क्योंकि अक्सर यह बेवजह छात्रों को प्रताड़ित करता रहता है, जिसके कारण वहां के सारे छात्र और शिक्षक अध्यापक पीयूष मिश्रा से काफी परेशान हैं। कहाँ रहते हो? विद्यालय आए हो? यहाँ क्या हुआ है? मैं सरजी मारी नहीं हुआ, हम गए रजिस्टर मांगने, वो पगड़ कानून में दिन तक गटाई खोद दाव का तक दर्द तू धकेल दी और उनका मान इनका दांत टूट गया है। किसे शिकायत किए? किसी से? अपने पिताजी को बताए थे? हाँ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? हम गेम खेल रहे थे तो इनके ऊपर से निकल गए, तो हमें एक लाभ मारी नहीं, उछल कर हम धुआं गिर गया। तुम्हारा नाम क्या है? मनोज कुमार। कहाँ रहते हो? कोकल। तुम्हारे? हमें तीन सौ मारी ना, और हम अपने अम्मा ने पापा को लाए हम, वैसे हमें तब पाव थे तब मारा था। ये इनका मारी हम तुम्हारे कहाँ ना? अखिलेश कुमार यादव। कहूँ पढ़ा तो? तीन तुम मार से मारी नहीं? कहे मारी नहीं? अरे कहीं की जजा गोली ना खाए हो, खा लो वह हम बड़े दिन का सर जी हमने था वो हमें मालूम था हम क्या रहे उससे आशा भी कब जाए। प्रदीप सिंह, आपके बेटे का क्या नाम है? आलोक सिंह। आपके बेटे को विद्यालय में मारा गया, किस लिए मारा गया? पता नहीं किस लिए मारा गया, मारी नहीं देखा कि मारी नहीं, बच्चा आया बताया घरे कि पेड़ में लड़ा के मारी नहीं, इसलिए हम आए मास्टर से पूछे, मास्टर कुछ कह रहे नहीं रहे हैं, तुम्हारे बच्चा हमारा कहना नहीं मान रहा है। तो इसकी शिकायत कहीं की है आप? अभी कहीं नहीं किया है, फोन किया है 1-10-98 पे। जी प्रधान जी, आए दिन आपके ग्राम सभा के कोकल विद्यालय में कोई ना कोई मामला उठता रहता है, आखिर क्या मामला है? असल में सर, हमारे यहाँ जो पीयूष मिश्रा मास्टर साहब हैं, ये आए दिन कभी शिक्षा मित्रों से, कभी प्रधान अध्यापक से, कभी बच्चों से आए दिन खुराफास किया करते हैं। आज के कई महीना पहले हम लोग बेसर साहब से डायरेक्ट मिले, बेसर साहब ने आश्वासन दिया कि हम इनको हटा देंगे, फिर को ना इनको हटाया गया ना इनको डांटा फटकारा गया। फिर हम लोग बीओ साहब से कहे, बीओ साहब द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, लिखित मांगा गया, लिखित भी हम लोग दे दिए, और केवल इसी अध्यापक की वजह से आए दिन यहाँ बवाल खुराफास। एक तो खोया खोया बैठा रहता, कभी समझ ना आता है, ना बच्चों को ठीक से पढ़ाता, लेकिन जहाँ भी शिकायत करो कोई कार्यवाही नहीं होगी, तो हम लोग शिकायत करके थक गए हैं सर। अब जैसे भी विद्यालय सब राम भरोसे चल रहा है। जी सर, मेरा नाम अब्दुल हई है और मैं प्राथमिक विद्यालय भगड़ा मनका चौक में कार्यरत हूँ सहायक अध्यापक के पद पर, और जो है मैं इस विद्यालय कोकल का जो है संकुल भी हूँ और नोडल भी हूँ। आज कोकल विद्यालय में बच्चों के साथ शिक्षक का मारपीट का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी जांच करने आप यहाँ पहुँचे थे, क्या है पूरा मामला? बीओ सर ने मुझे फ़ोन किया और मैं मुझसे कहा कि जा करके देखो, वहाँ बच्चों में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया है अभिभावकों में, जा करके देखो। तो मैं यहाँ पे आया और आने के बाद में मैंने बच्चों से मैंने पूछा और वीडियो भी मैंने बनाई है जो मेरे पास मौजूद है, तो बच्चों ने जो बयान दिया है वो मेरे वीडियो में है। उन्होंने बताया कि मतलब हमारा जो है बच्चों ने जिस बच्चे को मारा, वो बच्चा बता रहा है कि मतलब मेरा जो है कान पकड़ा और जो है मुझे गले पकड़ करके धकेल दिया। उसके बाद और बच्चों से भी मैंने पूछा, उन बच्चों ने भी यही बताया कि मतलब मारा है। किसने मारा बच्चों को? पीयूष मिश्रा सर ने। क्या है वो? वो यहाँ कोकल विद्यालय के कंपोजिट विद्यालय के वो जो है सहायक अध्यापक हैं।
आपने बच्चों से पूछताछ किया, शिक्षक से पूछताछ किया, कहाँ तक क्या मामला सही है? अब देखिए, कोई भी जैसे हम हैं या कोई है जो मतलब काम करता है, वो तो अपनी सफाई ही देगा, लेकिन जो है बच्चे जो बयान कर रहे हैं विद्यालय के, वो बात जो है वही बात सही है।